माता जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। माता जी सब काम उल्टे उल्टे हो रहे हैं, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तो। कोई भी काम सीधा करने जाओ उल्टा ही हो रहा है, और परिवार एक हाँ नहीं है, बच्चे लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं। जी हाँ, और आपका तो पूरा परिवार ही अस्त व्यस्त है बेटे। हाँ ना माता जी, अब क्या करें, अभी कोई एक घर का एक भी सदस्य जो है आपके फेवर में नहीं है, नहीं है। हाँ जो जिन जिन को आप मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान की बातें समझाते हैं, जीवन में सुधार की बातें करते हैं, वो सब उनको उल्टी उल्टी लगती ना, बस वही चल रहा है, उल्टे उल्टा काम पूरा। है। तो वो उल्टा नहीं होना चाहिए, इससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है बेटे। जीवन में संघर्ष कितना होता है, उतार चढ़ाव कैसा होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। जी हाँ, लेकिन आपके घर में जो दोष है, वो दोष रहित भूमि हो गई है, करबल छल किया जा रहा है अपने घर में। तो माता जी तो आपका करबल ठीक छल के कहना। कारण, ये छोटे छोटे प्रयोग के कारण पूरा अस्त घर अस्त व्यस्त हो गया है। जी और ये अस्त व्यस्त घर से फिर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती है ऐसे में। जी जिस घर में ज्यादा किलकिल होती है, जिस घर में ज्यादा पूजा पाठ नहीं होती, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेत बाधा व्याप जाती है, और वही कंडीशन अपने घर में है। जी तो इस सबको ठीक करने के लिए, ये सारी कंडीशन ठीक हो, विचार एक मत हो सबके, तो जी इस विषय को विशेष ध्यान रखते हुए मैया की कृपा से सब ठीक हो, सुलभ हो, जी तो माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने से ये सारे मार्ग दुख के जो है वो ठीक हो जाते हैं। जी तो माँ बगलामुखी देवी की कृपा प्राप्त करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब ठीक होगा। मैया की शरण में आने से ही जीवन के सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं, और अपने घर में रोगी भी हो गए हैं, आपका भी शरीर में रोग व्याप्त गया है, जी हाँ क्योंकि आपके ना कलेजे में ना जलन होती है, जी खाना भी अपच हो रहा है, भूख नहीं लगती आपको, नींद नहीं लगती है आपको, आप रोग का भी शिकार हो गए हो, जी हाँ और आपके घर के लोग मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें जी अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है, जी हाँ और किसी ने थोड़ी सी बुरी सलाह दी है, बाहर वाली सलाह, तो पट से उसकी बात को मान लेते हैं, हाँ ये बात तो सही है जी और घर का व्यक्ति बुरा, बाहर के लोग अच्छे, ऐसा हो रहा है आपके साथ अभी। तो हाँ ये सब ठीक करने के लिए माँ बगलामुखी की शरण लेकर के और जी बाबा भोलेनाथ की शरण लेकर के आपको सारे सुख प्राप्त होने चाहिए। पिता के, पुत्र के, पुत्री के, पत्नी के, सबके विचार एक होने चाहिए, तब उस घर में भगवान भी निवास माता जी, करेगा। आप ही देखो सब, और आपको ठीक करना भी है सब। हाँ, आप एक बार मैया जी के चरणों में दर्शन के लिए पहुंच जाओ, फिर यहीं से मैं सब बता दूंगी बेटे। जी हाँ माते, बिल्कुल आऊंगा, पक्का है।